थैंक यू भाई। बुलेट का टायर रखते क्या? पूरा 15 अगस्त की तैयारी चालू है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम जा रहे हैं अपनी बुलेट ठीक कराने। एक्चुअली उसका जो सेल्फ खराब हो गया है, तो किक भी मार रहा हूँ तो किक भी इतना मतलब लग नहीं रहा जल्दी, और चालू हो रहा है 10 किक मारने का, तब दो तीन बार ऐसा रिवर्स मेरे को फटका लग गया, तो इसलिए वो ठीक कराएंगे। ज़्यादा नहीं, एक दो घंटे का काम है। और उसके बाद मेरी टायर मेन जो अभी ट्रैवल करेगा, बारिश का मौसम आपको पता है, वो खराब हो गया है। ठीक है, वो टायर को भी ठीक कराना है, चेंज कराना है। और टायर कौन सा डालना है, क्या डालना है, मैं बहुत कंफ्यूज था। तो मैंने यूट्यूब पे R&D किया, तो उसमें मुझे मालूम पड़ा एक दो जान है जिनके मुझे मतलब सजेशन बहुत अच्छे लगे। मैंने उनके वीडियो जो सजेस्ट किया, तो मुझे लगा कि हाँ चलो यही दिखाना चाहिए, यही डालना चाहिए, सॉरी यही ले, दो मिनट ना बात करने देना, तो कि यही टायर डालना चाहिए। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कौन सा टायर डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा कंफ्यूजन था इन्होंने वो दूर कर दिया। थैंक यू बुलेट ग्रू एंड बुल्लू पटनायक, आपने ये वीडियो बनाया जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो चलते हैं, जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है वही वाला मैं टायर डालूंगा। माइक चेक, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? एक्चुअली बहुत टाइम के बाद GoPro लगाया है और माइक वगैरह ऐसे ही पड़ा था, तो पहले माइक चेक करें आवाज़ आती है कि नहीं, फिर ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग तो क्या करते रहेंगे, बहुत टाइम के बाद मतलब बाइक तो चला रहा था, मतलब मोटो ब्लॉगिंग बहुत दिन के बाद हो रहा है। एक्चुअली अपनी बाइक ज़रा ख़राब भी थी, अभी उसको सर्विसिंग, जय भोलेनाथ, अभी उसको सर्विसिंग करवा के लेके आया हूँ। और सर्विसिंग मतलब इसका जो सेल्फ ने बंदा इसका वन वे कुछ है करके ख़राब था, चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से किक भी मारता था, चालू होता था मगर बहुत किक मारना पड़ता था, प्लस रिवर्स मारता था, दो चार बार ऐसे फटके फटे ना भाई, क्या बोलूँ। उसके बाद मैंने चलाना ही छोड़ दिया, पहले इसको सर्विसिंग में डालेंगे। तो आज सुबह दिया था और अभी शाम हो गई है और ऑलमोस्ट इसका वो वन वे का काम भी हो गया है और गाड़ी सर्विसिंग भी हो गई, क्योंकि ज़्यादा चली नहीं थी, ऑयल वगैरह सब ठीक ही था, तो उन्होंने खाली टॉप अप कर दिया। और फिर भी इतने खाली वो करने में और ये जो अपना क्लच वायर और गियर वायर चेंज किया, इतने में ही 8,000 का बिल बन गया। इसको फुल रेडी कर रहे हैं, इसका एक्चुअली टायर भी थोड़ा सा टकला हो गया है, मतलब पूरा इसके स्केट कर रही है गाड़ी, मतलब समझ सकते हो, ये जो गाड़ी मैंने जब ली है तब से वही टायर्स है इसमें। तभी चल रहा जरा टायर्स देखने की, भाई टायर कहाँ मिलता है और कौन सा टायर अच्छा लगाने का है इसमें, तो लिख लें एक टायर भी थोड़ा अच्छा हो जाता, फिर क्या अभी बारिश का मौसम है। आजकल मुंबई में ट्रैफिक बहुत हो गया है, और एक चीज़ बोलना भूल गया भाई, जैसे कि तो रक्षाबंधन था, आप देख सकते हो राखी बनाया मैंने, तो आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और अब आ रहे गणपति बप्पा, बहुत जल्द जाने वाले हैं, और परसों है 15 अगस्त, तो अब त्योहारों के दिन चालू हो गए हैं, पर अपने ब्लॉगिंग के भी, मोटो ब्लॉगिंग के भी दिन चालू हो जाएंगे। बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, आपने मेरा मोटो ब्लॉग देखे हुए ज़माना हो गया होगा। गया था मैं गांव या भी गया था उसके पहले, उसके बाद तो बहुत आया ही नहीं मोटो ब्लॉगिंग, बट अब आएगा, इसीलिए गाड़ी को थोड़ा अपन ठीक कर रहे हैं और फिर घूमेंगे और बारिश में मचाएंगे। यहाँ पे कहीं एक मैंने देखा था टायर वाला, मिल गया तो ठीक है, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं, बहुत टाइम हो गया, अब तो नियर बाई देख रहा हूँ, कोई टायर वाला मिल जाए तो अच्छा है, लंबा ना जाना पड़े। ग्लासेस वाली है, टायर वाला कोई दिख नहीं रहा, इधर एक है इसके पास लगता है टायर्स है, चलिए देखते हैं इसके पास रहे अच्छे टायर से लगवा लेंगे, वरना फिर दूसरी जगह देखेंगे। ये है इधर आते हैं अयप्पा टायर सर्विस, चलो देखते भाई इनके पास है क्या। भाई बुलेट का टायर रखते क्या? बुलेट का भाई, बुलेट का टायर आपके पास है? ठीक है, तो इसका बना के दे दें।
भाई देख रहे कौन सा नंबर टायर का नंबर कौन सा है। तो भाई के पास तो जो टायर अपने को चाहिए वो थे नहीं, उन्होंने बताया आगे एक दो टायर की दुकानें हैं वहाँ पे देख लीजिए, देखते एक्चुअली अपने को चाहिए C8 का ग्रिप एक्सेल, क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत रिसर्च किया जिसपे अपने को जो बोलते ना ज़रा ग्रिपिंग मिले और स्केट ना हो और अच्छा हो, तो सबका अच्छा अच्छा जैसे बुल्लू पटनायक है या बुलेट गुरु है, इन लोगों ने बोला कि इनके वीडियोस देखे मैंने तो उसमें ये बता रहे थे कि C8 का ग्रिप एक्सेल बेस्ट है अगर जो आप लेते हो तो ये सब चीज़ के लिए, ग्रिपिंग के लिए, टूरिंग के लिए, तो उन्होंने चलो वही लगवाते हैं, तो वही ढूंढ रहे हैं, बट इनके पास था नहीं। अभी यहाँ से लेफ्ट लेंगे और बताया बंदे ने कि आगे 2-3 दुकानें हैं तो चलते हैं वहाँ से लेते हैं। इधर ही कहीं बता रहा था सिग्नल क्रॉस करके, ये तो है यहाँ है क्या अभी देखना पड़ा, मुझे लग रहा है टायर सर्विस है हमारे, चलो यहाँ भी पूछ लेते भाई है क्या। बहुत अच्छा है, नहीं तो और कोई आसपास में दिख नहीं रहा। भाई बुलेट का टायर है क्या C8 का? C8 कहाँ मिलेगा? थैंक यू। तो भाई यहाँ भी नहीं है MRF है, अपने को वही दलवाना है, जो दलवाना है वही दलवाना है। यहाँ पे देख दिख रहा है C8 का कुछ तो मिल गया था, ठीक है भाई। तो गाइस ये फाइनली अपना ये टायर है, ये फ्रंट का है और ये बैक का है C8 का, ये कितना है 120 C8 ग्रिप एक्सल ट्यूबलेस। अच्छा एक्सल ट्यूबलेस, और ये वाला ग्रिप एक्सल ट्यूबलेस, ठीक है। ये ट्यूबलेस भी है क्योंकि बाद में अपने वहाँ जो चेंज करना जैसे कि मैकविल वगैरह लगवाना है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें पंचर होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है ट्यूब में, तो ट्यूबलेस करवाना है। तो मैंने बोला पहले भाई ने सजेस्ट किया कि भाई अभी ये लगा लो टायर, फिर अगले मैंने फिर आपको चेंज करने से अच्छा आपको सिर्फ मैकविल चेंज करना रहेगा, तो अभी ये ट्यूबलेस ही लगवा रहे हैं क्योंकि अपना तो अभी जो है आपको मालूम ट्यूब वाला है, तो फिलहाल ये लगाएंगे ये अपने टायर का, और ये अपनी टायर निकाल दी गई है, फिट होती हुई फिल्म आपको दिखाता हूँ। पूरा 15 अगस्त की तैयारी चालू है और गाने भी आपको सुनाई दे रहे हैं सारे, जहाँ से अच्छा मस्त लग रहा है। सर जी ये बताइए ये टायर जो हम लोग लगा रहे हैं C8 ग्रिपर और बाकी टायर्स में क्या डिफरेंस है? ये सर जो ग्रिपर वाला बनाया है ज्यादातर मतलब मैक्सिमम हाफ रोटिंग लद्दाख अभी सब के लिए लोग वापरते हैं, ब्लॉक पैटर्न है तो ग्रिप अच्छा पकड़ता है, और जो झूम पैटर्न आता है जी जी जाफर टाइप का जो आपका जैसे लगा है जी जी, तो स्मूथ राइडिंग के लिए है, स्किप करने के लिए वो सब स्मूथ राइडिंग के लिए है। अच्छा स्मूथ राइडिंग के लिए बेटर है ये सब, मतलब आपके सबसे अच्छा ये है टूरिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए चलिए अच्छा है। जैसे कि अभी मुझे भी ये टायर चेंज करना था, मैं एक दो दिन से देख रहा था तो मुझे कहीं मालूम नहीं पड़ा, मैं तो ऐसे निकल चला चलो ढूंढने ही कहीं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपना एड्रेस दे दीजिए ताकि जो भी मेरे यहाँ नियर बाय जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो तो उनको पता चले कि आपका किधर है, तो मेरे तरह चार दुकानें घूमना ना पड़े। रोलेक्स टायर शॉप नंबर 5 राज टावर MG रोड कांदिवली वेस्ट नियर निर्मल कॉलेज, नियर निर्मल कॉलेज ये बाजू में जो कॉलेज है, ठीक है थैंक यू मिश्रा जी। और ये एड्रेस आपको मालूम पड़ गया, किसी भी पूछेंगे तो आप आ सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे सब टाइप के टायर्स आपको मिल जाएंगे, चाहे कार हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, और हाँ एक और चीज़ अगर जो आपको कुछ डाउट हो तो ये आपको डाउट भी क्लियर कर देगी आपको कौन सा वारंटी वारंटी जो भी है यही पे सेटल हो जाएगा। जी जी, तो ये आपको ये भी बताते हैं कि कौन सा टायर्स लगाना चाहिए, कौन से आपके कार के लिए बाइक के लिए बेटर रहेगा, तो आप यहाँ पे आइए आपको कुछ भी डाउट है वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली अपना टायर चेंज हो गया है और ये है नया टायर जो ये फ्रंट का है और ये बैक का।
चलिए फिर मिश्रा जी, ओके थैंक यू। चलिए चलो फाइनली भी निकलते हैं, सब हो गया है यार। आगे से निकल जाएगा ना। चलो थैंक यू। तो गाइस फाइनली अपना नया टायर लग गया है और अब थोड़ा गाड़ी चलाने में डर नहीं लगेगा बारिश में, क्योंकि एक्चुअली बहुत डर भी लग रहा था पीछे से ना, स्केट कर रहा था तो स्लिप कर रहा था, ऐसा लगता था कि अभी गिर ना जाए, इसलिए चेंज करना बहुत ज़रूरी था। ये जब मैंने बाइक ली थी तब का टायर था, एक्चुअली तो बहुत पुराना भी हो चुका था टायर, चेंज की बहुत ज़रूरत थी। जैसे हम अपना सब कुछ चेंज करते हैं, जूते कपड़े, वैसे बाइक की भी ज़रूरत थी टायर की, जो लग गई है और अब मज़ा आएगा चलाने में। मिश्रा जी थे बहुत अच्छे आदमी थे, उनसे बहुत टाइम बातें हुई, अच्छा लगा और बहुत हेल्पफुल थे। और आप लोग भी जरा आना चाहते तो आइए, आपकी हेल्प करेंगे, बंदा बहुत अच्छा था नो डाउट। और बगैर सब कुछ मुझे वारंटी वारंटी का वो सब करके उन्होंने दिया कि हाँ भाई, ऐसा नहीं एक सिर्फ बिल दे दिया, बोला कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सिर्फ आइएगा, साथ में टायर को लेके आइएगा, मैं जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके। मॉर्निंग वंस अगेन, आज नेक्स्ट डे है, कल वीडियो को एंड नहीं कर पाए हम, और कल देखा आपने ना टायर भी चेंज हो गया, गाड़ी भी परफेक्ट हो गई है, और एक दो चीज़ें और उसमें लगानी है जैसे कि फॉग लाइट वगैरह, क्योंकि आपको पता होगा बुलेट की लाइट इतनी कुछ होती नहीं है खास, तो सब कराना है, धीरे धीरे कराएंगे और आपको दिखाते रहेंगे और प्राइजेस के साथ में बताएंगे। और ये टायर मुझे पड़ा 4600 में, एक्चुअली उसने ज़्यादा बोला था बट बाद में मुझे थोड़ा डिस्काउंट दिया तो 4600 में ट्यूबलेस टायर पड़ा। मैंने ट्यूबलेस इसलिए डलवाया कि कल को फ्यूचर में अगर जो मुझे स्विच करना पड़े एलॉय व्हील्स में, तो मुझे टायर नहीं चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एलॉयस चेंज करेंगे, तो इसलिए मैंने लगवा लिया। बोला चलो ठीक है ना यार, और वो बंदे ने सजेस्ट किया तो ठीक है, और उसका क्या ट्यूबलेस का जो टायर था वो भी थोड़ा ठीक होता है, उसने बोला आपको उससे अच्छा मिलेगा। और C8 का बोलता है कि जो रबर होता है ना वो ठीक तो होते हैं बट वो ऐसा सॉफ्ट होता है कि रोड को पकड़ के चलते हैं, बाकी टायर से इसकी लाइफ उसने बोला थोड़ी कम होती है बट इसके बोलते ना स्लिप करने के चांसेस कम होते हैं। और हाँ, बार बार मैं गाड़ी चला रहा था ना जब नया टायर लगाने का, तो बार बार ब्रेक मार रहा हूँ कि देखूँ पीछे की गाड़ी ऐसा स्लिप कर रही कि नहीं, क्योंकि तो ब्रेक मारते पीछे तो ऐसी हो रही थी गाड़ी, तो एक दिमाग में रहता है ना, तो मैं बार बार चेक कर रहा था। खैर सब हो गया अपना, अभी राइड्स चालू होंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो हफ्ते में कम से कम एक दो वीडियो तो आए, क्योंकि अभी इस टाइम तो कुछ नहीं आ रहे, बहुत कम वीडियोज़ आ रहे हैं। सो गाइस अब इस वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।